टोटल मेरा पड़ा 800 रुपये, 800 रुपीस फ्रॉम सिक्किम टू कोलकाता। ये बड़ा वाला, ये बड़ा तो कॉस्टली है। कितना है? आप लोग तो लेते नहीं है। ये कितना है? 280 है। 280। सो ये दोस्तों न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन छोड़ के हम लोग निकल रहे हैं। दोस्तों आपका स्वागत है नया व्लॉग में। आज के व्लॉग में मैं जा रहा हूँ सिक्किम से कोलकाता। तो सिक्किम से कोलकाता कैसे जाए, कितना खर्चा पड़ता है, पूरा डिटेल सब इस वीडियो में मिलेगा। तो यह है, मैं रंगली बाजार से मेरा जर्नी शुरू कर रहा हूँ और कहाँ कहाँ से आप सिक्किम टू न्यू जलपाईगुड़ी होकर कोलकाता जा सकते हो कम खर्चे में, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में मिलेगा। सो गाइस इस वीडियो में बने रहना पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ। मैं कैब में बैठ रहा हूँ, तो चलिए देखते आगे आगे होता है क्या। सिक्किम से कोलकाता जाने के लिए पहले आपको आना पड़ेगा एनजीपी, न्यू जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी। सो दोस्तों कैसे आप एनजीपी और सिलीगुड़ी आओगे, चलिए पहले ये बता देते हैं। आने के लिए आपके दो वे हैं, एक तो आप ले सकते हो ऐसा कोई कैब और दूसरा आप आ सकते हो बाय द बस, टूरिस्ट बस और लोकल बस से। तो खर्चा थोड़ा सा बता देता हूँ। खर्चा है गाइस, अगर आप पूरा एक कैब बुक करोगे तो पूरा कैब के लिए आपको खर्चा पड़ सकता है ऑलमोस्ट मान के चलिए 1700 से लगभग 2 से 2500। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। क्या सिचुएशन है, सपोज़ पीक टाइम रहता है टूरिस्ट के लिए तो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, और अगर पीक टाइम नहीं रहता है तो थोड़ा सा कम रहता है। ओके और इसका भाड़ा ऐसा होता है, और अगर शेयर में आते हो जैसे मैं जा रहा हूँ, सपोज शेयर टैक्सी शेयर कैब से जा रहे हो तो आपका खर्चा पड़ेगा पर हेड 300 से 400 रुपये, कभी कभी 350 भी लेते हैं, ये भी डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो एनजीपी जाने के लिए सिक्किम के कहीं से भी तो गाड़ी मिल जाता है, पर जो मेन डेस्टिनेशन मेन जगह है जंक्शन है, एक तो है गैंगटॉक और है रंगली बाज़ार। गैंगटॉक से भी आपको गाड़ी मिल जाएगा, रंगली बाज़ार से भी आपको गाड़ी मिल जाएगा पहाड़ से नीचे उतरने के लिए। और ये लगभग मोर देन 100 किलोमीटर का जर्नी है और लगभग 4 से 5 घंटा लगता है अगर रास्ता ठीक ठाक रहा तो। सो अभी मैं देख सकते ऑलरेडी, बट मेरा जर्नी शुरू हुआ था रंगली बाज़ार से। रंगली बाज़ार से ये टोटल एनजीपी जाने के लिए 3 से 4 घंटा ऑलमोस्ट लगता है। इट्स डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन फिर भी, क्योंकि पहाड़ में ट्रैफिक बहुत ही अनप्रडिक्टेबल होता है, कहीं पर रास्ता ब्लॉक है जो देर हो सकते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लेकर उतरोगे अब जाओगे तो अच्छा होता है। तो आप एनजीपी चलिए पहुँचते हैं अभी, उसके बाद बाकी का डिटेल्स देते हैं। एनजीपी से ट्रेन और प्लेन का खर्चा कैसा है, कैसे आप पकड़ोगे, कैसे बुक भी करोगे। अच्छा लेना है,
12 पीसेस इसमें। अरे रुक 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 क्या? अरे रुक ये ना नेट को ना नहीं दिखोंडा नीचे वालो। लगभग 3.5 घंटे जर्नी करने के बाद ऑलरेडी सेवक रोड पेट्रोल पंप है, दैट इज द सेवक रोड पेट्रोल पंप। यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। 3.5 घंटे लगा, रास्ता वॉज क्वाइट गुड बट थोड़ा थोड़ा फॉगी हो जाता तो गाड़ी को थोड़ा सा धीरे धीरे चलाना पड़ा। सो गाइस ये था एनजीपी तक आने तक आने का पूरा सिस्टम। अब लोकल बस से भी आ सकते हो, लोकल बस का किराया अप्रॉक्सीमेटली फिक्स तो नहीं पता, राफली बोल देता हूँ, और लोकल बस का 200-250 के अंदर आपको बस मिल जाएगा शायद, थोड़ा सा गूगल कर लो। बिकॉज मैं मेरा गाड़ी के ड्राइवर के साथ बात कराया था, ही सेड दैट मुझको एग्जैक्टली पता नहीं है भैया, 200-250 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा होगा। एज आई टोल्ड यू लोकल कैब अगर फुल बुक कर लोगे गैंगटॉक और रंगली बाजार से 1700 से 2500 डिपेंड्स द सिचुएशन, शेयर में आओगे तो 300 से 400, मेरा लग रहा है 350 रुपये। दिस इज द ऑल द फैक्ट्स टू कम ओवर हियर। एंड ये है सेवक रोड, ये बहुत ही फेमस रोड है। ये कनेक्टिविटी है एनजीपी टू दार्जिलिंग और गैंगटॉक का कनेक्टिविटी रोड है। एंड बहुत ही खूबसूरत रास्ता है गाइस। यहाँ बस एक थोड़ा दूर जाकर एक रेलवे क्रॉसिंग है, जब रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करोगे तब सोचो क्रॉस करने के बाद पहाड़ उठ जाएगा, और रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस किधर आओगे मतलब पहाड़ को छोड़ दिया आप प्लेन लैंड में आ चुके हो ऑलमोस्ट। सो अभी जस्ट 20-22 किलोमीटर बाकी है टू रीच एनजीपी न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन। उसके बाद आपको जाकर दिखाते हैं एनजीपी टू कोलकाता कितना खर्चा पड़ेगा टू रीच, और कितना सस्ता आप बुकिंग करोगे वो भी आपको पूरा डिटेल्स देने जा रहे हैं। सो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ एनजीपी। ओह माय गॉडनेस, ओह ये है एनजीपी स्टेशन, अनाउंसमेंट चल रहा है राइट। अभी लगेज मगेज उतरना है, दैट इज माय रेड वन माय वन। तो अभी एनजीपी स्टेशन के अंदर जाएंगे, उसके बाद टिकट मैंने पहले ही बुकिंग किया हुआ था, 4 बजे का ट्रेन है तो पूरा डिटेल्स आपको उसके बाद दे रहे हैं। दोस्तों 4 बजे मेरा ट्रेन है, तीस्ता तोशा एक्सप्रेस। जस्ट उसके पहले मुझको थोड़ा सा खा लेना है, तो मैं आया हूँ ये जो होटल वाला जगह, ये साइड में स्टेशन के बाहर ही एकदम पूरा बहुत सारे होटल्स हैं, बंगाली होटल्स हैं और नॉन बंगाली होटल्स भी हैं, आपको इंडियन साउथ इंडियन चाइनीज़ खाना मिल जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा पेट पूजा करके उसके बाद ट्रेन में चढ़ना है। चलिए इस होटल के अंदर पहुँचते देखते हैं खाने में क्या क्या है। तो दोस्तों ऑलरेडी ये मेरा प्लेट आ चुका है, ये फ्लैट प्लेट में देखो थाली में राइस है, साग है, आलू भत्ता है, थोड़ा सा फ्राई है, यहाँ पर सब्जी है और दाल है, और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर मछली आने को है, दैट इज द इस टोटल थाली का दाम पड़ा है 120 रुपीज़। ये है मछली, सो ये है मछली। ठीक है, आप रुई भी ले सकते हो, कतला भी ले सकते हो। कतला मछ का प्राइस है 180 रुपये प्लेट और रुई का प्राइस है 120 रुपये प्लेट। तो चलिए भाई पेट भर के खा लेते हैं झटापट, खाने के बाद स्टेशन में पहुंचते हैं। सो दोस्तों ऑलरेडी मैं ट्रेन में चढ़ के बैठ चुका हूँ, दिट इज़ द तीस्ता तोशा एक्सप्रेस, और इसका डिपार्चर टाइम है 4 बजे। मैं लगभग 1.5-2 घंटे पहले ही आ चुका था, और इस ट्रेन का मुझे मिला है ये लोअर बर्थ, दिस इज़ द लोअर बर्थ, मुझको लोअर बर्थ मिला है, और टिकट का दाम पड़ा 462 रुपीज़ के आसपास, मैंने 460 रुपये के आसपास मान के चलिए, दैट इज़ क्वाइट रिजनेबल। ये नॉन एसी है, आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये नॉन एसी है, नॉन एसी भैया, ओके दिस इज़ नॉन एसी, बट जो आने के वाले में जो ट्रेन मिला था उसका कंपार्टमेंट थोड़ा सा बहुत बढ़िया था, बट इसका कंडीशन उतना भी बढ़िया नहीं है, बट ठीक है कोई। यहाँ पर एक चार्जर भी दिया गया है, मिरर भी, यहाँ पर एक चार्जर है और मिरर भी है, ओके राइट। सो अभी टाइम ऑलरेडी 4 बज चुके हैं बट अभी ट्रेन नहीं छूटा है। सो ये स्टेशन का बाहर का सीन है, थोड़ा सा स्टेशन का बाहर का सीन, सो देखते हैं ट्रेन चलने दीजिए उसके बाद देखते हैं सीन क्या है। सो ये दोस्तों न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन छोड़ के हम लोग
निकल रहे हैं राइट। ये देखो जस्ट लाइक एक खूबसूरत सा एक्सपीरियंस होने वाला है ट्रेन में, बट ये ट्रेन पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये ट्रेन पहुँचेगा शियालदा स्टेशन। कोलकाता के एग्जैक्टली दो स्टेशन है, एक शियालदा एक हावड़ा, और तीसरा भी स्टेशन है कोलकाता का नाम है कोलकाता स्टेशन। तो तीनों स्टेशन से ही NGP आने का ट्रेन आता है, छोड़ता है और पहुँचता है। बट ये वाला ट्रेन पहुँच रहा है तीसरा तोरसता, ये तोरसा ये एक्सप्रेस पहुँचेगा मिड राइट को, रात को 3 बजे और सुबह को 4 बजे ऑलमोस्ट पहुँचेगा शियालदा स्टेशन में। तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी हो रहा है 12 घंटा 45 मिनट के लिए, और ये है ट्रेन का अंदर का सीन। अंदर से मैं शूट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, 13 घंटे के आसपास टाइम लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा हॉल्ट दे देकर जाएगा। आने वाले के टाइम में ट्रेन में स्टेशन हॉल्ट कम था, इट डिपेंड्स ऑन द ट्रेन। कुछ ट्रेन ज़्यादा हॉल्ट देते हैं, ज़्यादा जगह रुकते हैं, कुछ ट्रेन कम जगह पे हॉल्ट देते हैं, तो डिपेंड्स ऑन द टाइम। तो किसी ट्रेन 11 घंटे लेते हैं, किसी ट्रेन 13 घंटे लेते हैं, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ले रहे हैं 13 आवर्स। तो चलिए पहुँचते हैं कलकत्ता। ऐसे ही ट्रेन में आप डिफरेंट एक्टिविटीज देख सकते हो इन इंडियन लोकल ट्रेन में जाते हुए। दोस्तों ऑलरेडी मैं पहुंच गया हूं मेरा फाइनल डेस्टिनेशन कलकत्ता, और ये है कोलकाता का शियालदा स्टेशन। सुबह के अभी 5 बज चुके हैं, सौरी 5 नहीं बजे, 4:30-5 बजे है। एंड ट्रेन थोड़ा सा रुक के आ गया था, बट बीच रास्ते में बहुत 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 स्पीड में चला है और टाइम में हम लोग पहुँच चुके हैं। सो भाई ट्रेन में ज़बरदस्त नींद हुआ, 13 घंटे का जर्नी था ऑलमोस्ट। आई हैड अ ग्रेट स्लीप एंड फाइनली आई हैव रीच्ड माई सिटी कोलकाता। सो सुबह का शियालदा स्टेशन, इट लुक्स फैंटास्टिक। से आप देख सकते हो बहुत सारे लोग यहाँ पर मेरे साथ ही इस ट्रेन से उतरे हैं राइट, एंड फीलिंग अमेजिंग। सो आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी मैं फिर से घर वापस आ रहा हूँ, फिर से घर वापस आ चुका हूँ, आई एम फीलिंग सो मच अमेजिंग। चलिए थोड़ा सा टोटल खर्चा कितना हुआ उसका लेखा चुका आपके मेरे साथ आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ट्रेन का टिकट का भाड़ा पड़ा 460 रुपीज़ अराउंड, 460, और जो मेरा जो शेयरिंग में मेरा टैक्सी था कैब दैट वाज 350 350। तो टोटल मेरा पड़ा 800 रुपये, 800 रुपीज़ फ्रॉम सिक्किम टू कोलकाता। क्वाइट चीपेस्ट जर्नी, क्वाइट कम्फर्टेबल जर्नी, बट ट्रेन का टिकट थोड़ा सा दो महीने पहले अगर बुक करोगे तो टिकट थोड़ा सा रिजनेबल और कम पड़ता है, और टिकट बुकिंग कंफर्मेशन भी हो जाता है। सो दिस इज़ माय सिटी कोलकाता, एंड दिस इज़ द वन ऑफ द फेमस स्टेशंस इन वेस्ट बंगाल, दैट इज़ शियालदा। एक्चुअली ट्रेन यहाँ पर 3 स्टेशन में आते हैं, शियालदा स्टेशन, हावड़ा स्टेशन और कोलकाता स्टेशन। 3 स्टेशन में कुछ ट्रेन शियालदा आते हैं, कुछ ट्रेन हावड़ा स्टेशन में आते हैं, और कुछ ट्रेन शियालदा स्टेशन में आते हैं, और कुछ ट्रेन कोलकाता स्टेशन में भी आते हैं। पर मेरा जहाँ पर घर है वहाँ तक जाने के लिए ये शियालदा स्टेशन सबसे बेटर है। तो मैं जब बुकिंग कर रहा था मेरा प्रेफरेंस में ही जो ट्रेन शियालदा में आए उस ट्रेन को ही मुझको बुक करना है। सो फाइनली रीच्ड। सो गाइस ये था छोटा सा व्लॉग सिक्किम टू कोलकाता का जर्नी, चीपेस्ट एंड सेफेस्ट जर्नी बाय इंडियन रेलवे। सो होप्स यू एंजॉयड द टोटल ट्रेवल। जो जो बोलना चाहता था दिखाना चाहता मैंने दिखा दिया। तो ब्लॉग को एक बार ख़त्म करते हैं, ब्लॉग को अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठंड जबरदस्त है यहाँ पर। पहले क्या होता है सिक्किम में बहुत ठंडा, कोलकाता में बहुत गर्मी, आते ही बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग लगता था, बट सिक्किम में भी ठंड यहाँ पर भी ठंड, सो फीलिंग क्वाइट कम्फर्टेबल। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग के यहाँ पर ख़त्म करते हैं।